दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नारी शिक्षा पर कैसे एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये 5 से 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं और किस प्रकार हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं किसी भी तथ्य के बारे में। जैसे हम लिए हैं नारी शिक्षा पर निबंध, तो नारी शिक्षा पर अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो नारी शिक्षा का महत्व क्या है, इसमें हम क्या क्या कंपोनेंट दिए हैं कि नारी शिक्षा का क्या महत्व है, फिर उसके बाद प्राचीन काल में क्या महत्व रहा है और आधुनिक काल में क्या महत्व है और मध्यकाल में नारी शिक्षा का क्या महत्व रहा, इसके बारे में इसमें हम जानेंगे। तो एक अच्छा से अच्छा निबंध हम किस प्रकार लिख सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे और एक हाईएस्ट मार्क्स निबंध में लाने की कोशिश कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की है, इसको शुरू करते हैं। नारी शिक्षा पर एक अच्छा निबंध किस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो शुरुआती है, शुरुआत में हम क्या देख रहे हैं कि नारी शिक्षा का महत्व हमको हेडलाइन में देना है और उसके बारे में कुछ लिखना है हमको। ठीक है, तो भारत की संस्कृतियों और सभ्यता के विकास में स्त्रियों का भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि पुरुषों में। मतलब कि कहने का अर्थ है कि भारत की संस्कृतियों में जितना पुरुषों का महत्व रहा है, पुरुषों के योगदानों का महत्व रहा है, उतना ही स्त्रियों की के योगदानों का महत्व रहा है, जिससे भारत की संस्कृति का विकास हुआ है। इससे हम ये देख रहे हैं, मतलब नारी शिक्षा का महत्व में क्या है, पुरुषों की तुलना, मतलब स्त्रियों की तुलना पुरुषों से की जा रही है। सही बात है, आगे देखते हैं। अतः केवल पुरुषों को शिक्षित होने से समाज और देश का कल्याण नहीं हो सकता, जिस देश की स्त्रियां अशिक्षित होती हैं। मतलब ये कि जिस देश की स्त्रियां शिक्षित होती हैं, मतलब कि जिस देश की स्त्रियां अशिक्षित होती हैं उस देश का विकास नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर देश की स्त्रियां शिक्षित हैं तो उस देश का विकास होगा, अगर अशिक्षित है तो उस देश का विकास नहीं हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि केवल पुरुष का ही शिक्षित नहीं होना है बल्कि स्त्रियों को भी शिक्षित करना चाहिए जिससे देश का विकास संभव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नारी के बारे में बताया गया है कि नारी को भी शिक्षित होना चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। तो नारी, आगे देखते हैं, इतना हम देख लें कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में स्त्रियों का भी उतना योगदान रहा है जितना कि पुरुषों का। अतः केवल पुरुषों के शिक्षित होने से समाज और देश का कल्याण नहीं हो सकता है। जिस देश की स्त्रियां अशिक्षित होती हैं, मतलब जिस देश की स्त्रियां शिक्षित होती हैं उस देश का विकास नहीं हो सकता है। इतना हम देखें, आगे देखते हैं। प्राचीन काल में नारी शिक्षा, मतलब कि प्राचीन काल में नारी शिक्षा कैसी थी उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, प्राचीन काल में नारी शिक्षा कैसा था उसके बारे में हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। जिस समय प्राचीन काल था उस समय पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त थे, मतलब जो अधिकार पुरुषों को थे वो अधिकार स्त्रियों को भी थे। पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शिक्षित होती थी, जितना पुरुष शिक्षित होते थे उतना ही स्त्रियाँ शिक्षित होती थी। ये बात सही है कि प्राचीन काल में दोनों को समान अधिकार थे। आगे देखते हैं, मध्यकाल में चर्चा करते हैं क्या है, मध्यकाल के बारे में देखते हैं। देखिए मध्यकाल में क्या दिया गया है कि मध्यकाल में नारी शिक्षा, ठीक है, इस काल में नारी को गुलाम और भोग्य बनाकर पतन की दिशा की ओर दिया गया, मतलब की ओर मोड़ दिया गया। मतलब कि प्राचीन काल में हम देखे थे कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षित किया जा रहा था, लेकिन मध्यकाल में आते आते पुरुषों को शिक्षित ना करके उसे क्या करता था, गुलाम बनाया जाता था, उसे भोग्य बनाकर उसे पतन की दिशा में ले जाया जाता था। वह केवल दासी एवं वासना पूर्ति मात्र का साधन बनकर, मतलब स्त्रियां प्राचीन काल में वासना पूर्ति मात्र साधन बनकर रह गई, लेकिन इसी काल में ही गुलबदन बेगम और रोशन आरा जैसी स्त्रियां शिक्षित थी। मतलब देखिए कुछ स्त्रियां शिक्षित थी जिसका उदाहरण इसमें दिया गया है कि गुलबदन बेगम और रोशन आरा जैसी महिलाएं शिक्षित थी, लेकिन मध्यकाल में स्त्रियों की जो शिक्षित मतलब शिक्षण कला थी वो उतना अच्छी नहीं थी। मतलब कि उस समय मतलब कि स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, मतलब उसका किसी और तरह से मतलब कि उसको किसी और दिशा में मोड़ दिया जाता था। मध्यकाल में नारी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं थी। आगे देखते हैं नारी शिक्षा पर क्या दिया गया है।
आधुनिक काल में नारी शिक्षा कैसा है, ठीक है, आधुनिक काल में क्या नारी को शिक्षित किया जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस काल में नारी ने हर क्षेत्र में विकास किया है। इस काल में जैसे नारी शिक्षा ने हर क्षेत्र में विकास किया है, जिधर देखिए उसका उस ओर हमें नारी का नाम देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में नर नारियों को समान अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में अगर देखें तो नर नारियों को समान अधिकार दिए गए हैं, जिसके कारण आज स्त्रियां पुरुषों के बराबर समाज के निर्माण में सहयोग दे रही हैं। जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के बराबर समाज के निर्माण में योगदान दे रही हैं। मतलब कि प्राचीन काल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक ही चीज़ देख रहे हैं कि प्राचीन काल में और आधुनिक काल में स्त्रियों को समान अधिकार थे। मतलब जो स्त्रियां थी उसको पुरुषों के तुलना में, मतलब पुरुषों के बराबर अधिकार थे। लेकिन मध्यकाल में क्या था, मध्यकाल में स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, उसका किसी और तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता था। मतलब उस समय मध्यकाल में हम क्या देखें कि नारी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। मतलब हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि नारी शिक्षा का महत्व क्या, हमें नारी शिक्षा का क्या महत्व है, अगर नारी को शिक्षित करते हैं तो देश का विकास होगा। यहाँ से ये महत्व, नारी शिक्षा से हमको क्या महत्व मिला कि देश का विकास हो सकता है, इतना हम समझे, ठीक है। क्योंकि नारी को शिक्षित करना है और पुरुषों को भी शिक्षित करना है, दोनों को शिक्षित करना है। अगर पुरुष शिक्षित है तो स्त्रियों को भी शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए पुरुष शिक्षित होने से समाज और देश का कल्याण नहीं होता, बल्कि स्त्रियों को भी शिक्षित होना चाहिए, ये बात हो रहा है, ठीक है। स्त्रियाँ अगर अशिक्षित है और पुरुष शिक्षित है तो देश का विकास नहीं हो सकता, ठीक है, इतना समझे थे इसमें। और इसके बाद हम देखे थे क्या कि प्राचीन काल में नारी शिक्षा क्या है, तो अच्छी थी, मतलब प्राचीन काल में समान अधिकार थे, ये बात था, ठीक है। उसके बाद क्या था देखते हैं, मध्यकाल में नारी शिक्षा कैसा था, तो मध्यकाल में नारी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं थी, बात तो यहाँ पर दिया गया, इसमें पूरा दिया गया है, ठीक है। कुछ महिलाएं शिक्षित थी उसका भी एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया है, उपसंहार में हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि आधुनिक शिक्षा में तो हम देखे थे आधुनिक काल में नारी शिक्षा कैसा था, तो अच्छी थी नारी शिक्षा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं उपसंहार में, मतलब कि निष्कर्ष क्या निकलता है। जैसे हम कोई निबंध लिखते हैं तो निबंध में इंट्रोडक्शन होता है, जो निबंध लिखते हैं उसमें आपको क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपका क्या होता है मध्य भाग होता है, फिर लास्ट में निष्कर्ष होता है। तो निष्कर्ष में क्या पहुँचे हैं नारी शिक्षा के बारे में, निबंध में क्या पहुँचे हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। स्त्रियों के प्रति दुर्भावनाओं को त्याग कर उनको शिक्षित गतिविधियों में बनाने में प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। मतलब ये कि स्त्रियों के प्रति जो दुर्भावनाएं हैं उसको हमें त्याग देना चाहिए और उसको शिक्षित करके देश के सहयोग में उसे योगदान देना चाहिए। मतलब कि स्त्रियों के प्रति दुर्भावनाओं को त्याग कर उनको शिक्षित करना चाहिए, शिक्षित गतिविधियों में उसे भाग लेने देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि स्त्री शिक्षा से ही समाज का अच्छा निर्माण और विकास हो सकता है। मतलब ये अगर स्त्री शिक्षित है, जिस देश की स्त्रियाँ शिक्षित हैं उसका परिवार शिक्षित होगा और वह पूरे देश का कल्याण कर सकती हैं। मतलब कि स्त्रियों को शिक्षित करना अनिवार्य है हर देश के लिए, ठीक है। इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है। तो एग्ज़ाम में आप इसको लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। मतलब कि 5 मार्क्स आप इसमें, 5 से 7 मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। 5 से 7 मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं कॉल से, ठीक है। अब चलिए, हमने देखा कि नारी शिक्षा के बारे में क्या, थोड़ा एक अच्छी तरीके से देख लेते हैं नारी शिक्षा के बारे में। ये हमने देखा महत्व देखा, फिर प्राचीन काल में नारी शिक्षा, मध्यकाल में नारी शिक्षा, फिर उसके बाद हमने देखा आधुनिक काल में नारी शिक्षा, उसके बाद उपसंहार। मतलब कि क्या कि आपको ये एक पेज में आपको पूरा सिमट जाएगा, आप उसको लिख सकते हैं और 5 से 7 मार्क्स आप ला सकते हैं एग्ज़ाम में, अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए या फिर आपको कहीं भाषण देना है नारी शिक्षा के बारे में, तो आप ये स्पीच दे सकते हैं इसके बारे में, नारी शिक्षा के बारे में कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में क्या क्या था। तो ये हमने देखा, ठीक है, ओके।